हेलो फ्रेंड्स, मैंने अपने चैनल पे काफी ढेर सारे वीडियो डाल रखे हैं, लेकिन किसी एंगल ग्राइंडर काटने वाले मशीन का मैंने वीडियो नहीं डाल रखा है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एक एंगल ग्राइंडर मशीन बनाएंगे, जिसको कि फ्रेंड्स हम चार्ज करके कहीं पर भी ले जा करके कटिंग कर सकते हैं। ये फ्रेंड्स चार्ज रिचार्जेबल होगा, इसको हम कहीं भी ले जा सकते हैं और बहुत ही आसानी से ये काट भी देता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये देख सकते हैं, हम कुछ इस तरीके का मशीन बनाएंगे जो कि दोस्तों ये रिचार्जेबल होगा और काफी आसानी से बन जाएगा। ये दोस्तों 12 वोल्ट से लेकर के 24 वोल्ट की बैटरी से चल जाता है। तो फ्रेंड्स इसको बनाना बहुत ही आसान है, आप वीडियो को पूरा शुरू से एंड तक देखना। और चैनल पे नए हैं आए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबा करके ऑल पे सेट कर लेना। एक ही सब्सक्राइब तो करना है, कौन सा आपका पैसा लग रहा है, तो एक सब्सक्राइब कर लेना। चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। फ्रेंड्स हम इस कमाल के प्रोजेक्ट को बनाने के लिए अपने वर्किंग टेबल पे आ चुके हैं, और सो फ्रेंड्स हमें कुछ कंपोनेंट्सों की जरूरत पड़ेगी, जो कि फ्रेंड्स ये हमारे वर्किंग टेबल पे पड़ा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमें 775 डीसी मोटर की जरूरत पड़ेगी, जो कि फ्रेंड्स ये 12 वोल्ट 775 डीसी मोटर है। ये दोस्तों काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है एंगल ग्राइंडर को बनाने के लिए। और फ्रेंड्स हमें इस तरीके से एक पतले पीवीसी पाइप की जरूरत पड़ेगी और एक बड़े पाइप की भी जरूरत पड़ेगी। फ्रेंड्स ये देख सकते हैं, मैंने थोड़ा बड़ा लिया है, आप इसके साइज का ही लीजिए, क्योंकि दोस्तों ये इसके साइज में फिक्स हो जाएगा। मेरे यहाँ पे मिल नहीं रहा था तो दोस्तों मुझे थोड़ा बड़ा ही लेना पड़ा। और फ्रेंड्स हमें एंगल ग्राइंडर ब्लेड की जरूरत पड़ेगी, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं इसको लगाने के लिए। और हमें फ्रेंड्स यहाँ पे इस चीज़ की भी ज़रूरत पड़ेगी, जो कि फ्रेंड्स ये कुकर में आसानी से मिल जाता है, कुकर के ऊपर वाले ढक्कन में ये काफ़ी आसानी से मिल जाता है, जो कि दोस्तों इसको हम लगा के, इसको हम कुछ इस तरीके से लगा के ऊपर से हम कस देंगे। तो फ्रेंड्स इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी, ये काफ़ी आसानी से मिल जाता है। फ्रेंड्स हमें कुछ इन कंपोनेंट्सों की ज़रूरत पड़ेगी। ये जो पीवीसी पाइप है इसका हम कटिंग भी कर लेते हैं। हाँ तो सो फ्रेंड्स हमें दोनों तरफ से कुछ इस तरीके से कट कर लेना है, जो कि दोस्तों ये ऊपर वाला पाइप का सीट है पीवीसी पाइप का। और फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं कुछ यहाँ पे इतनी दूरी पर है, अगर आपके पास पतला वाला हो तो आपका ये काफ़ी आसानी से फिक्स हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी दूरी पर है, तो इसको हम इसके अंदर फिक्स करके इसको हम नट और बोल्ट की मदद से यहाँ पे कस के इसको हम पूरा टाइट करके यहाँ पेचो लगा करके इसके अंदर हम इसको लगा लेते हैं। काफ़ी आसानी से फ्रेंड्स ये लग जाएगा और इसको हम ग्लू गन की मदद से, इसको किसी चीज़ की मदद से यहाँ पे चिपका लेते हैं। फ्रेंड्स फ्रेंड्स ये फाइनली यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसको लगा लिया है, और कुछ आपको भी इस तरीके से लगाना है। और यहाँ पे दोस्तों दो वायर जोड़ने के लिए दिया हुआ है, तो फ्रेंड्स इसको हम वायर जोड़ के इसको पीछे से बंद कर लेंगे। और दोस्तों यहाँ का जो नीचे वाला हिस्सा बनाना है हमें कुछ इस तरीके से बनाना है, और फ्रेंड्स हमें यहाँ पे सेफ्टी के लिए कुछ इस तरीके से लगाना है, जो कि ये ब्लेड चले तो दोस्तों अगर ब्लेड कभी कभी ये वाला टूट भी जाता है तो फ्रेंड्स ये टूट के हमारे कहीं शरीर उरीर पे ना लगे। फ्रेंड्स इसके यहाँ पे हमें सेफ्टी के लिए भी बनाना है, और यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से, और कुछ नीचे बैटरी इस तरीके से रहेगा, रिचार्जेबल रहेगा। फ्रेंड्स कुछ हमें इस तरीके से बनाना है। तो दोस्तों यहाँ का देख सकते हैं ये हो चुका है और काफ़ी अच्छा सा भी लग रहा है। तो दोस्तों यहाँ का जो नीचे वाला हिस्सा है, नीचे वाला अपने हाथ के हिसाब से जितना हम पकड़ सकें उतना हम काट लेंगे। यहाँ पे दोस्तों हम इतना पकड़ पा रहे हैं, तो दोस्तों हम यहाँ से इतना हिस्सा हम काट लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मैंने पीवीसी, ये जो नीचे वाला हिस्सा था मुट्ठी वाला, इसको मैंने कुछ इस तरीके से काट लिया है, और ऊपर से दोस्तों मैंने घिस करके इस तरीके से बना लिया है, जो कि ये यहाँ पे अच्छे से फिक्स हो पा रहा है। और दोस्तों ये काफ़ी मस्त सा लग रहा है। और दोस्तों यहाँ पे हम बैटरी का, जैसे कि असली वाले में होता है, ये नकली भी नहीं है दोस्तों, इसको जैसे दोस्तों हम बैटरी के लिए यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पे दोस्तों एक चार कोने वाला बैटरी जैसे बना करके हम यहाँ पे बैटरी को भी लगाएंगे। तो फ्रेंड्स हम इसमें 12 वोल्ट की बैटरी का यूज करेंगे, जो कि लिथियम आयन बैटरी है। तीन बैटरियों को मैंने जोड़ के एक 12 वोल्ट की बैटरी को बनाया है, जो कि ये दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरीके से लगेगा, और दोस्तों पीवीसी से ये चारों ओर से बंद रहेगा। तो दोस्तों इसको हम यहाँ पे, ये जो नीचे का बैटरी वाला हिस्सा होता है, हम इसको भी बना लेते हैं।
सो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मैंने बैटरी कुछ इस तरीके से बनाया है, ज़्यादा पतला भी नहीं है, जो कि नए वाले ड्रिल मशीन में जो कि रिचार्जेबल ड्रिल मशीन होता है उसके जैसी ये भी बैटरी है। और दोस्तों हमें कुछ इस तरीके से लगाना है, यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से हम लगाएंगे और मोटर को इसके ऊपर इस तरीके से हम फिक्स करेंगे। तो गाइस इसके लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा इसमें हम स्विच को भी लगाएंगे यहाँ पर, जिससे कि दोस्तों हम स्विच को दबाएं तो ये काम करने लगे। और दोस्तों हम चार्जिंग के लिए वायर को ही निकाल देंगे क्योंकि मेरे पास दोस्तों सॉकेट नहीं है। आपके पास सॉकेट है तो दोस्तों आप चार्जिंग सॉकेट को भी लगा सकते हैं। वैसे दोस्तों मैं इसको यहाँ पे फिक्स करूँगा और देख सकते हैं काफ़ी मस्त सा लग रहा है, एक लुक आ रहा है इसको। दोस्तों सॉकेट को हम चेंज करके ड्रिल मशीन भी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये वाला जो हिस्सा है इसको हम चिपका लेते हैं और दोस्तों इस चीज़ को भी हम यहाँ पर चिपका लेते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा फाइनली कंप्लीट हो गया, रेडी हो चुका है। अभी फ्रेंड्स हम इसमें कनेक्शन वनेक्शन करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इस तरीके से पीवीसी चांदा जैसे काटा है और इसको हम यहाँ पे इस तरीके से लगाएंगे। यहाँ पे दोस्तों हम इसको इस साइड में जिस साइड से पकड़ेंगे इस साइड में हम यहाँ पर लगाएंगे और दोस्तों हम यहाँ से इस ऊपर से इस तरीके से लगा देंगे जिससे ब्लेड टूट करके ऊपर हमारे ना लगे, यहाँ पर पूरा सेफ्टी रहेगा। फ्रेंड्स इस तरीके से हम लगाएंगे। तो सो फ्रेंड्स अब हम इसका टेस्टिंग करते हैं और देखते हैं कैसा काम करता है। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम इस लोहे को काट कर देखते हैं ये काट पाता है कि नहीं काटता है। ये काफ़ी हाई आरपीएम से चल रहा है, देखेंगे ये काटता है कि नहीं काटता है। चलिए फ्रेंड्स इसको चलाते हैं और देखते हैं। ओ भाई यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों इसने इसको कितना ज़्यादा गड्ढा कर दिया है इसमें, यहाँ पे आपको साफ नज़र आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा। और दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों इसने अभी आधा काट दिया, काफ़ी जल्दी ये काट चुका है इसने, बहुत ही जल्दी इसने काटा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, एक कैमरे में नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे दोस्तों इसको बहुत ही ज़्यादा इसने काट दिया। अब दोस्तों ये वाला जो कॉपर है इस मोटर वाले हिस्से में, इसको हम भी काट के देखते हैं काट पाता है कि नहीं काट पाता है। ये देख सकते हैं दोस्तों इसको इतना इसने काफ़ी आसानी से दोस्तों कटिंग कर रहा है। ये देखिए जो मेरा वर्किंग कैंची है इसको भी अभी मैं इसमें करके दिखाता हूँ दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों इसको पूरा, तो भाई कट जाएगा यार पूरा, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। अब दोस्तों हम इस वाले पीवीसी मटेरियल को भी काट के देखते हैं कटिंग कर पाता है कि नहीं कर पाता है। फ्रेंड्स इसे काफ़ी जल्दी इस पीवीसी मटेरियल को काट दिया इस एंगल ग्राइंडर मशीन ने। और फ्रेंड्स आप चाहें तो इसको कलर भी कर सकते हैं दोस्तों, जो मैंने इसमें मोटर लगाया है
आप इस मोटर के जगह पे 555 DC मोटर को भी लगा सकते हैं, वो भी काफ़ी पावरफुल होता है। लेकिन मैंने दोस्तों इसमें 12 वोल्ट का मोटर लगाया है, 775 मोटर। दोस्तों मेरे से इस थोड़ा गड़बड़ हो चुकी है। इसमें क्या गड़बड़ हुई है दोस्तों, ये जो ब्लेड है दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, कभी इधर से नीचे से होके ऊपर जा रहा है, ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा घूम रहा है, जिससे कि दोस्तों प्रॉपरली अच्छे से अभी कट नहीं पा रहा है। इसको अगर दोस्तों आप लगाना ही है तो इसको एकदम